नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संकट में घिरती बीजेपी सरकार की, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके प्रदर्शन की, देखेंगे मोदी के परिवार पर कांग्रेस के निशाने को, प्रियंका गांधी की हिमाचल प्रदेश की रणनीति को, जानेंगे कैसे मुसीबत में घिरी केंद्र की जांच एजेंसी, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी की गारंटी की खुली पोल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की नई लिस्ट, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नहीं दी गई रोड शो की इजाजत, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में तय था कार्यक्रम, बाद में कर दिया गया रद्द। अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद से होगी टक्कर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों पर फिर लगाया टीएमसी नेताओं को धमकाने का आरोप, कहा टीएमसी नेताओं पर बीजेपी में शामिल होने को डाला जा रहा है दबाव। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों से पहले पाला बदलने का खेल तेज हो गया है, और इस पाला बदलने के खेल में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की हरियाणा सरकार संकट में घिरती दिखने लगी है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई विधायक और पूर्व विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। दल बदल की तारीख भी तय हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है, जिसके बाद हरियाणा की सरकार संकट में फंसती दिखाई दे रही है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की तरफ से कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया गया है। वो 9 अप्रैल को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीरेंद्र सिंह साथी के नाम से एक मैसेज सामने आया है। इसमें लिखा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ विधायक और पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस में वापसी करेंगे। मैसेज में साफ है कि बीजेपी के कुछ विधायक भी पाला बदलेंगे। इस समय 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को 46 विधायकों का ही समर्थन हासिल है, और अगर 4 विधायक भी पाला बदल जाते हैं तो कुछ दिनों पहले ही सीएम बने नायब सिंह सैनी की सरकार भी चली जाएगी। बीरेंद्र सिंह का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का ऐलान पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी को एक और बड़ा झटका ओडिशा में लग रहा है। यहां पार्टी की उपाध्यक्ष लेखाश्री सामंत सिंगर ने बीजेपी छोड़कर बीजेडी की सदस्यता ले ली। लेखाश्री सामंत सिंगर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने पिछले 10 सालों से बीजेपी के लिए अपना खून पसीना बहाया, लेकिन मैं ओडिशा के लोगों की सेवा नहीं कर पा रही थी। ऐसे में उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। बीजेपी में हो रही बगावत ने उसकी मुश्किल को बढ़ा दिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी ने नया संकट खड़ा कर दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आप नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज सामूहिक उपवास रखा गया और मोदी सरकार पर तीखा हमला किया गया। तो क्या कहा आप नेताओं ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज है। एक तरफ देश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध भी बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को आप नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर और पंजाब में शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कलाम सहित देश में अलग अलग जगहों पर सामूहिक उपवास का आयोजन किया। आपके उपवास कार्यक्रम में पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद और पदाधिकारी मौजूद रहे। आप नेता आतिशी ने इस उपवास को दिल्ली और देश भर में तानाशाही के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों वाले टूट जाते हैं, हमारी पार्टी के दिग्गज नेता झुके नहीं, टूटे नहीं, बीजेपी में नहीं गए। हमें दुखी नहीं होना है, गर्व के साथ नेताओं के पीछे मेहनत करनी है, उनके संघर्ष का फल मेहनत से देना है, जेल का जवाब वोट से देना है। इस दौरान आप नेता संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से उन्हें फंसाया गया है, शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है, शरद रेड्डी से 55 करोड़ की रिश्वत उनके गिरफ्तार होने के बाद ली गई। पीएमएलए कानून का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये कानून ऐसा ही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर कोई भी इससे नहीं बच सकता। अगर पंजाब, केरल या बंगाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ केस दर्ज हो तो उनको भी थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आप नेता ने आगे कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश की गई, इसका जवाब 4 गुनी ताकत के साथ देना है, 24 के चुनाव में बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी विपक्षी दलों को परिवारवादी पार्टी बता रही है,
और पार्टी के नेता खुद को मोदी का परिवार बता रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने मोदी के परिवार को ही निशाने पर ले लिया है। इसे लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने करारा तंज कसा है। तो क्या कहा रेड्डी ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ऐलान कर रहे हैं कि लड़ाई परिवार वालों से है। एक तरफ मोदी का परिवार है, पीएम सभी 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन इसमें विपक्ष के नेताओं को शायद अलग रखे हुए हैं, क्योंकि विपक्षी नेताओं को वो परिवारवादी बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और बीजेपी के इस दांव पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बताया पीएम मोदी का असली परिवार क्या है। रेड्डी ने कहा कि ये चुनाव चुनाव नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच की लड़ाई है। हम देखेंगे कि इस चुनाव में पीएम मोदी का परिवार जीतता है या हमारा परिवार। हम पीएम मोदी के परिवार के खिलाफ लड़ेंगे। हम उनके परिवार जिनमें ईवीएम, ईडी, आईटी और सीबीआई शामिल है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये लड़ाई गांधी परिवार और पीएम मोदी के परिवार के बीच की लड़ाई है। सीएम रेड्डी ने कहा कि इन दो परिवारों में एक परिवार है पीएम मोदी का और दूसरा परिवार है गांधी का। मोदी के परिवार में ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, वहीं हमारे परिवार में देश के लिए जान देने वाले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शामिल हैं। तो पीएम की कुर्सी का त्याग करने वाली सोनिया गांधी हैं। लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता हमारा परिवार है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। मोदी के परिवार को तेलंगाना की जनता बुरी मात देगी। एक तरफ शहीदों का परिवार तो दूसरी तरफ है ईडी, सीबीआई और आईटी। चुनाव में अब देखना है जीत किसकी होती है। वैसे कांग्रेस ने चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी की है। हिमाचल प्रदेश की कमान तो एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। उन्होंने राज्य के नेताओं से मुलाकात की है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने की जिम्मेदारी एक बार फिर प्रियंका गांधी ने उठा ली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी को ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का श्रेय दिया जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश की पूरी रणनीति प्रियंका गांधी की देखरेख में बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में बीते शनिवार को कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रियंका के साथ मुलाकात की। इसके बाद प्रियंका ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से मैं मिली। उनकी एकजुटता, मेहनत, मजबूती से चुनाव लड़ने के जज्बे और जनता के प्रति उनके समर्पण पर मुझे गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा कि एक तरफ भाजपा का भय, लालच और झूठ का साम्राज्य है, धन बल और एजेंसियों के माध्यम से सत्ता के लिए लोकतंत्र को खत्म करने वाली राजनीति है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सत्य, साहस और धैर्य से जनता के लिए अथक परिश्रम करने का संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और जीत सत्य की ही होगी। जय हिमाचल, जय हिंद। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट से एक बात तो साफ है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी मजबूत है। तो वहीं पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं पर उनके भरोसे को दृढ़ बताते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी हिमाचल की जनता और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीजेपी की धन बल वाली राजनीति को हराने के लिए एकजुट है। हिमाचल में ईमानदारी और जनसेवा की परंपरा है। बीजेपी ने बेईमानी और जोड़ तोड़ का नया रिवाज चलाने की कोशिश की है। जनता इसे करारा जवाब देगी। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी की घेराबंदी में जुटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई यूपी में होनी है। यहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए सपा चीफ गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान वो मुख्तार अंसारी के घर भी गए, अंसारी के परिवार से मुलाकात की और योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। तो क्या कहा अखिलेश ने, देखिए ये रिपोर्ट। रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंसारी परिवार के घर फाटक का भी दौरा किया और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा, मुख्तार की जो छवि पेश की गई है वो असली नहीं है। उनकी अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग जमा हुए। क्या हम ये नहीं देख सकते कि उनके साथ भेदभाव हुआ? जो घटना हुई वो सबके लिए शॉकिंग थी। मुख्तार ने खुद कहा कि उन्हें जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। इतनी बार वो विधायक चुने गए, जो व्यक्ति इतने सालों जेल में रहा हो उसके बाद भी जनता उसे जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता का दुख दर्द बांटा है। मुख्तार मामले की जांच को लेकर अखिलेश ने कहा कि अब तक जो भी हुआ वो सवाल खड़े करता है। इन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है। उन्होंने योगी सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। मुख्तार अंसारी लंबे वक्त तक जेल में थे। उन्होंने खुद को जहर दिए जाने की बात कही थी।
यूपी सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जो सरकार अपने नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पाती हो वो जनता की सरकार नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में अगर जांच होगी तभी मुख्तार की मौत से जुड़ा सच सामने आ पाएगा। ऐसा निर्णय लिए जाना चाहिए जिससे न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। अखिलेश के दावे से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की पुलिस के दाव से केंद्रीय जांच एजेंसी मुश्किल में फंस गई है। पुलिस ने एनआईए के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर से गिरफ्तार टीएमसी नेता मनोव्रत जना की पत्नी मोनी जना ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महिला ने आरोप लगाया है कि एनआईए की टीम ने जांच के बहाने जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। विरोध करने पर अधिकारियों ने मारपीट, बदतमीजी और घर में तोड़फोड़ की। जना की शिकायत पर एनआईए अधिकारियों के खिलाफ भूपति नगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 325, 34, 354, 354 बी, 427, 448, 509 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है। ये पूरा मामला 5 अप्रैल की रात का है। एनआईए की टीम भूपति नगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी। टीएमसी का आरोप है कि इस मामले में शामिल लोग बीजेपी के नेता हैं, लेकिन चुनावों में टीएमसी को डराने के लिए उनके नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। एनआईए ने इस मामले में टीएमसी नेता बलाई चरण मैती और मनोव्रत जना को गिरफ्तार किया और जब वो इन्हें लेकर जा रही थी तो ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। हालांकि विरोध के बीच एनआईए ने मनोव्रत जना को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों को अपने साथ कोलकाता ले गई। इस हमले की कई बड़े नेताओं ने निंदा की है, साथ ही बंगाल की सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी की गारंटी की खुली पोल की। पीएम मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की हालत पहले से ही खराब हुई है। अच्छे दिन तो उद्योगपतियों के आए हैं, तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में जनता के सामने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बीजेपी इसे मोदी की गारंटी बता रही है। दावा कर रही है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की 100% गारंटी होती है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो मोदी की गारंटी की पोल खोल रही है। मोदी राज में लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है। इसी कड़ी में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया NSSO ने पिछले 10 साल में समाज के अलग अलग वर्ग की आय में वृद्धि के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में ये खुलासा सामने आया है कि 2012 से 2022 के बीच नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों की औसत मासिक वास्तविक कमाई में हर साल 1% की गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव से पहले किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी राज में किसानों की आय में वृद्धि की गति और धीमी हो गई है। पीएम मोदी के वादे के अनुसार किसानों की आय में 10% की तेजी से प्रतिवर्ष बढ़त होनी चाहिए थी, लेकिन ये केवल 2.8 रही, जबकि यूपीए के कार्यकाल में ये वृद्धि 3% के दर पर हुई। तो वहीं अन्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वेतन भोगी कर्मचारियों की आय में भी कमी आई है, लेकिन इसी दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है और उनकी आय में 40-60% तक की उछाल आई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB Live। नमस्कार।